कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों धर्मों के लोगों के लिए काफी पवित्र स्थान है। हिंदू लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत शिव जी का निवास स्थान है। बौद्ध लोगों का मानना है कि उनके अधिष्ठाता देव धर्मपाल जी यही निवास करते थे, तो जैन लोग ये मानते हैं कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने यही कैलाश पर निर्वाण प्राप्त किया था। आपने भी कैलाश पर्वत के बारे में ये दावा जरूर सुना होगा कि इस पर चढ़ना आज तक किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों धर्मों के धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र स्थान पर मौजूद है। दुनिया भर के कई सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनका ये मानना है कि कैलाश पर्वत का धरती के बिल्कुल बीचों बीच होना, दुनिया के लगभग सारे मेजर रिलीजियस किताबों में इसका खास जिक्र होना, ये महज एक इत्तफाक नहीं हो सकता। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो सबूत मिले हैं, कुछ लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा है, उस पर सोचने के बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो आपका दिमाग हिलाने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में शंबाला नाम की एक सीक्रेट जगह के बारे में बताया गया है, वही जगह जिसका रेफरेंस डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में दिया गया था। शंबाला एक ऐसी सीक्रेट जगह को कहा गया है जो कैलाश पर्वत के पास मौजूद है, लेकिन इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है। कहते हैं कि इस जगह पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ पहुंचता है वो अमर हो जाता है और कई शक्तियों का मालिक भी। अगर अभी भी आप इस जगह को काल्पनिक मानते हो तो जरा रुक जाओ। भले ही इस जगह का जिक्र सिर्फ हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में है, लेकिन दुनिया भर के विद्वानों का मानना है कि ऐसी जगह वाकई में मौजूद है। फेमस राइटर जेम्स हिल्टन ने इस जगह पर एक पूरी किताब लिखी हुई है, तो इस जगह का जिक्र कई सारी हॉलीवुड मूवीज में भी है। 1942 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जिनको इन्हीं पहाड़ियों में तैनात किया गया था, उन्होंने भी कैलाश पर्वत के बारे में कई हैरत अंगेज दावे किए थे। उन्होंने यहाँ की पहाड़ियों में कई सारे ऐसे योगी देखे थे जिन पर ठंड का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मानो उनमें कोई अजीब शक्तियाँ हो। यहाँ तक कि उन योगियों की उम्र भी सैकड़ों सालों की थी। हाल ही में कुछ सालों पहले भी एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसमें एक योगी नंगे बदन हिमालय के बर्फीली वादियों में ऐसे घूम रहा था मानो उसने अपने शरीर पर, सारे इंद्रियों पर और भावनाओं पर काबू पा लिया हो। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव 1999 में अपनी टीम के साथ, जिसमें कई सारे फिजिसिस्ट और हिस्टोरियन शामिल थे, कैलाश पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने और उनकी टीम ने कई महीने कैलाश पर्वत के पास बिताए और इस पर्वत का गहरा अभ्यास किया। अपने इस रिसर्च में उनकी टीम ने ये दावा किया था कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक मैनमेड पिरामिड है। कैलाश पर्वत की इस फोटोग्राफ को देखिए। इस हिस्से में दिखाई दे रही है दीवार और उस पर बने स्ट्रक्चर देखकर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने दावा किया था कि चट्टान की ये दीवार किसी भी लिहाज से कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं हो सकता, और ये कैलाश पर्वत का पश्चिमी हिस्सा जिसका शेप आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ये वाला हिस्सा दुनिया में मौजूद बाकी के पिरामिड जैसा ही है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। अब शायद आप में से कई लोग ये कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि ये आंखों का भ्रम हो, क्योंकि पहाड़ के इस हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ी है, उससे शैडो बन रही है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से कोई इल्यूजन हो रहा हो। तो जरा रुक जाइए और कैलाश पर्वत की इन चारों तस्वीरों को देखिए जो दिन के अलग अलग समय में खींची गई थी। इन तस्वीरों की क्वालिटी जरा खराब है, लेकिन हम अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि चारों दीवारों पर एक ही जैसी आकृतियां मौजूद है जो हजारों साल पहले बनाई होगी, और अभी उनके कुछ बिखरे अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं। और चारों तरफ की दीवारों पर ये दिखाई देना केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन इतनी विशाल मूर्तियां इतने बड़े पहाड़ पर कोई कैसे निकाल सकता है? अगर ये सवाल आपके भी मन में आया होगा तो शायद आपको कैलाश मंदिर के बारे में पता नहीं होगा, जो दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर है, क्योंकि एक पूरे चट्टान को ऊपर से नीचे तक खोदकर इस मंदिर को कैसे बनाया गया था, ये आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सैकड़ों लोग अगर दिन रात भी खुदाई करके इस मंदिर को बनाने के काम में लग जाए, तो भी ऐसे मंदिर को बनाने के लिए 100 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। और ये मत भूलिए कि ये उस समय बनाया गया था जब कोई एडवांस टूल मौजूद नहीं थे। और एक बात ये भी जान लीजिए कि ऐसा टेम्पल आज की एडवांस्ड मशीन का इस्तेमाल करके भी बनाना इम्पॉसिबल है। और आप ही सोचो कि अगर एलोरा का या कैलाश मंदिर यहाँ पर सही सलामत मौजूद नहीं होता, तो क्या हम ऐसे किसी मंदिर के होने की कल्पना कर सकते थे जो एक बहुत विशाल चट्टान में ऊपर से नीचे की ओर तराशा हुआ हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देती है और जो हम इंसान आज के समय में बना सकते हैं।
एक और बात कि अमेरिका के माउंट रशमोर के ऊपर 1941 में अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और बाकी के तीन और प्रेसिडेंट्स के चेहरे तराशे गए थे जो आकार में काफी बड़े थे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि पहाड़ों के ऊपर विशाल मूर्तियां उकेरना आज का इंसान भी आसानी से कर सकता है। तो एंशियंट टेक्निक का यूज करके कैलाश पर्वत पर मूर्तियां उकेरना कोई बड़ी बात नहीं थी। या फिर डॉक्टर अर्नस्ट मोल्दाशेव जैसे कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये पूरा पर्वत ही एक विशाल मैनमेड पिरामिड हो सकता है। और यूं ही नहीं, दुनिया के तीन सबसे बड़े धर्मों की प्राचीन किताबों में इस पर्वत का जिक्र है और इसे धरती का सेंटर बताया गया है और हर साल हजारों लोग इस पर्वत की परिक्रमा और दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर सच में ये पर्वत नेचुरल नहीं है और अगर ये पिरामिड है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड हो सकता है, और वो भी ऐसा पिरामिड जो ना नैसर्गिक है और ना ही हम जैसे मामूली इंसानों ने बनाया है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि इतने विशाल पिरामिड को आकार किसने दिया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।